हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो में UPSI की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए टाइम एंड वर्ड से संबंधित करीब 55 क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लिया था। आज दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में UPSI के प्रीवियस ईयर यानी 2017 में एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे आगे के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, यानी 56 नंबर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, 56 क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं 56 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 56 क्वेश्चन यह कहता है कि ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं अगर वे यक्ष दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं और फिर सी शेष कार्य को यक्ष प्लस 4 दिनों में पूरा करता है तो यक्ष का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन हम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी पूर्वक से। दोस्तों, इसमें कहता है कि ए बी सी व्यक्तिगत रूप से 12, 24, 8 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। तो ए जो होता है काम को 12 दिन में, बी काम को 24 दिन में, फिर दोस्तों सी जो है काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे काम को पता करने। तो काम पता करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था LCM मेथड से। तो हम क्या करेंगे, 12, 24, 8 का LCM लेंगे। तो 12, 24, 8 का जो LCM आएगा वह 24 यानी 24 हो जाएगा। और यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह दोस्तों कुल काम यानी टोटल वर्क हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी और सी का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को 12 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 2। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। इसी प्रकार से बी जो का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों का एक एक दिन का काम निकल कर आ गया। आगे अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि अगर वे यक्ष दिनों के लिए एक साथ काम करते, कहता है कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ यक्ष दिन तक काम करते हैं तो अब क्या करेंगे, यक्ष दिन तक काम करते हैं तो तीनों देखो, ए जो होता है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो होता है एक दिन में 1 काम करता है, सी जो होता है एक दिन में 3 काम करता है, तो तीनों जो है मिल जाते हैं तो यक्ष दिन में कितना काम करेंगे इसको हम निकाल लेते हैं। तो यक्ष दिन में जो काम करते हैं वह जो होता है ए बी और सी अपनी अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करेंगे। तो इनका जो यक्ष दिन का जो काम आ जाएगा वह यक्ष ए का एक दिन का काम 2, 1, 3 तीनों का हम जोड़े रहेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6। तो यक्ष दिन तक जो तीनों काम करते हुए मिलकर वह 6 यक्ष हो जाएगा तीनों का यक्ष दिन का काम। फिर आगे कहता है कि जिसके बाद ए और बी छोड़ देते हैं, जिसके यक्ष दिन काम करने के बाद क्या होता है, ए और बी काम को छोड़कर चले जाते हैं, फिर क्या बचता, सी अकेला बचता। सी जो अकेला बचता है वह यक्ष प्लस 4 दिन में काम पूरा करता है, जो शेष काम रिमेनिंग काम बचता है। तो सी जो होता है कितना काम करता है, रिमेनिंग जो काम करता है कितना करता है, ये हम निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग जो काम करता है सी यक्स प्लस 4 दिन तक करता है, तो यक्स प्लस 4 दिन तक जो सी काम किया है वह अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। तो सी की जो क्षमता कितनी है, 3 है। तो यक्स सी जो होता है यक्स प्लस 4 दिन तक काम करता है, तो यक्स प्लस 4 दिन तक सी कितना काम करेगा वह हो जाएगा प्लस 3 यक्स प्लस 4। तो सी का यह जो हो गया, यह सी का काम हो गया, सी का काम, और यह जो है तीनों का काम है, ए प्लस बी प्लस सी, यह हो गया, यह जो रिमेनिंग काम था। अब क्या होता है, काम समाप्त हो जाता है, जो 24 काम मिला था इस अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो क्या होता है, काम समाप्त हो, यह जो है अगर ए बी सी 6 यक्ष दिन तक काम करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग काम है सी यक्ष प्लस 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद क्या होता है, 24 काम समाप्त हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 24 को इक्वल कर देंगे,
इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा x के वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से 6x 3x कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ से 3 चौक 12, 24 में हम 12 घटा लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ जाएगा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12/9। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 4/3। तो दोस्तों x की वैल्यू जो आ जाएगी x 4/3 आ जाएगी, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 4/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 यह कहता है कि यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 15 और 23 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकते हैं, तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने के लिए ए और बी को कितने दिनों की आवश्यकता है। यह दोस्तों बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम आप लोगों के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों कहता है कि ए एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, फिर कहता है कि बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, काम निकालने के लिए 15-30 का एलसीएम लेंगे, तो 15-30 का जो एलसीएम आ जाएगा वह 30 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 2 हो जाएगा, और यहाँ से बी का एक दिन का काम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहता है अगर दोनों मिल जाते हैं तो इस 30 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो दोनों का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह 3 हो जाएगा। तो अब ए और बी जो होता है एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 30 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ए और बी जो होता है एक साथ मिलकर 30 काम को 10 दिन में समाप्त कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 10 दिन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 यह कहता है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकते हैं, और ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में उसी काम को कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं और ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो बी ने कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, और दोस्तों आइए आज इस वीडियो में आप लोगों के एक बार दोबारा सॉल्व कर देता हूं। तो दोस्तों कहता है कि क्वेश्चन में ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकते हैं। तो दोस्तों कहता है कि ए बी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन में आगे कहता है कि ए व्यक्तिगत रूप में इस काम को अकेले 24 दिन में समाप्त कर सकता है। इतना हो गया दोस्तों। आगे कहता है कि अगर ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम मेथड से, तो हम क्या करेंगे 12-24 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 24 का जो एलसीएम आएगा वह 24 यानी 24 या क्या हो जाएगा, कुल काम यानी टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी का एक दिन का काम जो आ जाएगा, आप 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी प्रकार से ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा 24 को 24 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1। यहाँ से हमें पता चल गया है ए और बी का एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 2 काम करेंगे, और ए जो होता है अकेले काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ से ए की कार्यक्षमता 1 है, ए और बी की दोनों की जो कार्यक्षमता 2 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे बी की कार्यक्षमता कितनी है। तो बी की जो कार्यक्षमता होगी यहाँ पे ए की जगह 1 पुट अप करेंगे, 1+b = 2। तो यहाँ से आ जाएगा बी की जो कार्यक्षमता 1, यानी बी जो होता है एक दिन में 1 काम करता है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं। दोस्तों यह काम है एक लंबी सड़क है, मान लेते हैं लंबी जो सड़क है 24 किलोमीटर का है। यहाँ से क्या होता है कि ए और बी एक साथ काम करने के लिए आते हैं, भाई आते हैं काम करने के लिए, और यह एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर यह जो होता है 5 दिन तक काम को करते हैं, यहाँ से लेकर 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 5 दिन के बाद क्या होता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अब हम निकाल लेंगे ए और बी ने 5 दिन तक कितना काम किया। तो कैसे निकाल लेंगे कि ए और बी 5 दिन तक कितना काम किया, तो हम जानते हैं कि ए और बी
एक दिन में दो काम करते हैं तो पांच दिन में कितना करेंगे? पांच गुणे दो यानी ए और बी जो होता है पांच दिन में दस काम करेंगे, यानी 24 काम में से 10 काम ए और बी ने 5 दिन तक समाप्त कर दिया। उसके बाद 5 दिन के बाद क्या होता है, बी ए जो होता काम छोड़कर चले जाता है। उसके बाद यह जो शेष काम है इस काम को बी कितने दिन में समाप्त करता है, यही क्वेश्चन में हमें दोस्तों निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमेनिंग काम को पता कर लेंगे, यह रिमेनिंग काम कितना बचा है। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग काम को पता करने के लिए इस 24 किलोमीटर सड़क में 10 किलोमीटर सड़क बन गई है तो कितना सड़क बनाना बाकी है, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 14, यानी 14 किलोमीटर सड़क अभी बनाना है। तो इस सड़क को अब क्या कर बनाएगा, बी बनाएगा, क्योंकि ए छोड़ के चले गए हैं। तो बी जो तक 14 किलोमीटर सड़क को कितने दिन में बना देगा, तो हम जानते हैं कि बी एक दिन में एक काम करता है, तो बी जो होता 14 किलोमीटर सड़क को बनाने में कितना दिन लेगा, तो 14 को 1 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा कितना, 14 दिन। तो बी जो होता है रिमेनिंग 14 किलोमीटर सड़क को 14 दिन में समाप्त कर लेगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 14 दिन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 यह कहता है कि ए बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था लेकिन ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपये का वेतन दिया गया तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना। दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के सॉल्व करा दिया था, एक बार आप लोगों के लिए दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि ए बी और सी अलग अलग तौर पर 15, 20 और 12 दिनों के लिए काम करते हैं। ए जो होता है एक काम को 15 दिनों में करता है, बी जो होता है उसी काम को यह कितने दिन में, 20 दिन में करता है। फिर क्या है, तो सी जो होता है उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, कुल काम को निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए मैंने बताया था कि 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 15, 20, 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यह जो आ गया कुल काम हो गया यानी टोटल वर्क। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 4। तो इसी प्रकार से बी का एक दिन का काम आ जाएगा 3, और इसी प्रकार से सी का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। इतना हो गया। आगे कहता है कि ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए एक लंबी सड़क थी जिसकी लंबाई थी 60 किलोमीटर। यह जो सड़क है 60 किलोमीटर लंबी है। अब इस सड़क को बनाने के लिए क्या होता है, मरम्मत करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ से ए बी और सी तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं लेकिन ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है कि काम जब समाप्त होने वाला था तो इस काम के समाप्त होने के 6 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला जाता है 6 दिन पहले। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि फिर और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया बी, और फिर क्या होता है कि बी भी इस काम के समाप्त होने के 4 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है 4 दिन पहले। ये हो गया। तो दोस्तों आप यहां से समझ सकते हैं कि सी ने अकेला इतना पूरा काम अकेला सी ने किया है, सी ने अकेला इतना दिन तक काम किया है, 60 किलोमीटर सड़क को सी ने पूरा बनाया। जब तक सड़क जो होता है 60 किलोमीटर नहीं बन जाता है तब तक जो होता है सी काम करता रहता है, जबकि ए और बी ने काम को सड़क के पूरा होने से पहले ही छोड़ के चले गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले काम को छोड़कर गया है उससे हम एक्स्ट्रा काम करा लेंगे, जितना दिन पहले जो छोड़कर जाएगा उससे हम उतना दिन ज़्यादा काम कराएंगे। तो 60 काम था, 60 किलोमीटर सड़क बनानी थी, 60 किलोमीटर सड़क में ए ने 6 दिन पहले छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, ए से 6 दिन ज़्यादा काम कराएंगे। तो एक ए जो होता है एक दिन में 4 काम करता तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुणे 4 यानी 24 काम करेगा ए।
इसी प्रकार से हम बी से भी एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो हम बी से चार दिन अधिक काम करा लेंगे। तो बी जो होता है एक दिन में तीन काम करता, तो चार दिन में कितना काम करेगा, चार गुणे तीन यानी बारह, तो बी जो होता है चार दिन में बारह काम करता, तो कुल जो काम हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, साठ चौबीस बारह कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे यह 36 हो जाएगा, यह कितना साढ़े तीन 96 हो जाएगा, यह जो कुल काम आ जाएगा 96 जो हो गया कुल काम हो गया। अब इस 96 काम को ए बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो ए जो होता है एक दिन में चार काम करता है, बी जो होता है एक दिन में तीन काम करता है, सी जो होता है एक दिन में पाँच काम करता है, तो ए बी और सी जो होता है तीनों मिल जाते हैं अगर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन का जो काम होगा चार दिन सात पाँच बारह, ए बी सी का एक दिन का जो काम होगा वह कितना होगा 12। तो 96 काम को करने के लिए उनको जो समय लगेगा वह 96 बटा 12 यानी 12 96, यह 8 दिन में समाप्त कर लेंगे ए बी और सी तीनों मिलकर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 8 दिन जो या 8 दिन में यह जो काम समाप्त हो गया, 8 दिन में सी जो होता 8 दिन तक पूरा काम करता है, जबकि 8 दिन में बी चार दिन पहले छोड़कर चला गया और ए जो होता है छह दिन पहले छोड़कर चला गया। यह जो काम जो होता है सड़क जो होता है कंप्लीट बनकर तैयार हो जाती है, यह पूरी सड़क 8 दिन में तैयार हो जाती है, 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है यह सड़क। तो 8 दिन बनाने में जो है सी कितना दिन तक काम किया, तो सी जो होता है पूरा यहां से स्टार्ट करता है यहां तक काम करता है, तो सी 8 दिन तक काम किया, यहां से हमें पता चल गया। अब हमें यह पता करना है कि बी ने 8 दिन में कितना दिन तक काम किया, तो बी जो होता 8 दिन में कितना काम करेगा, यह 6 दिन पहले तो छोड़ चला गया, तो यह जो ए है इतना ही तो करेगा, दो दिन तक काम किया होगा। इसी प्रकार से ए का जो होता है काम आ जाएगा दो दिन, ए ने दो दिन तक काम किया है, क्योंकि ए ने 6 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया था, तो 8 में से 6 घटेगा, तो ए जो होता है 2 दिन तक काम करता है। तो यहाँ से बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बी ने जो काम किया वह 4 दिन तक करेगा, क्योंकि 8 दिन काम पूरा होने में 8 दिन जब काम समाप्त होना था 8वें दिन, तो यह 4 दिन पहले छोड़कर चला गया तभी, तो बी ने जो काम किया वह सिर्फ 4 दिन तक किया बी ने काम, इतना पता चल गया। अब हमें यह पता चल करना है कि सी ने 8 दिन तक कितना काम किया, तो सी ने 8 दिन तक 96 काम में कुल कितना काम करता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 8 दिन का सी का काम। जब हम जानते हैं कि सी एक दिन में 5 काम करता है, तो सी का 8 दिन का जो काम होगा 8 × 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए जो होता है 2 दिन में कितना काम करता है, तो ए जो होता है 2 दिन में कितना काम करेगा, जब ए जो होता है एक दिन में 4 काम करता है, तो ए जो होता है 2 दिन में 8 काम करेगा। इसी प्रकार से बी का जो होता है 4 दिन में कितना काम करता है, तो बी जो होता है एक दिन में 3 काम करता है, बी 4 दिन में कितना करेगा, 4 × 3 = 12। तो यह जो होता है तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, यह कुल आ जाएगा जो काम हो जाएगा वह 60 काम करते हैं। तो 60 काम करने के लिए जो होता है क्या, इनको जो पैसा मिलता है 60 काम करने के लिए, इनको जो पैसा मिलता है वह कितना मिलता है, 1500 रुपया मिलता है तीनों लोगों का। तीनों लोगों ने मिलकर 60 किलोमीटर सड़क बनाया है और इस बदले इनको जो होता है तीनों लोगों को 1500 रुपया मिलता है। तो पूछता है कि 1500 रुपये में से ए और बी का कितना हिस्सा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतने ही काम के बदले उसको पैसा मिलेगा, यह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम निकालेंगे कि ए ने कितना काम किया, ए ने 8 काम किया, बी ने 12 काम किया, तो ए और बी ने कुल कितना काम किया, ए और बी ने दोनों 20 काम किया, तो उनको जो पैसा मिलेगा 20 काम का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1500 बटा 60, और बी का जो होता है ए और बी का कितना मिलता है, 1500 × 20 / 60, यहाँ से इसको सिंपल करेंगे 0 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ से करेंगे 3 × 5 = 15, तो यहाँ से ए और बी को जो मिलेगा 500 रुपया मिलेगा। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें दोस्तों गलत दिया है, जबकि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वह 500 होगा, और दोस्तों इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा 500, और इसमें जो ऑप्शन दिया दोस्तों यह सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। नंबर 60 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 यह कहता है कि पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं,
की और क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं और पी और आर एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। और दोस्तों आइए आप लोगों को लिए एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों कहता है कि P और Q एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो कहता है कि P और Q एक साथ मिलकर एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे कहता है कि Q और R साथ में मिलकर उस काम को कितने 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे कहता है कि P और R एक साथ मिलकर इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि अगर P, Q, R एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, 9, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 9, 12 और 18 का जो एलसीएम आ जाएगा वह 36 यानी 36 हो जाएगा। यह जो 36 आ जाएगा कितना हो जाएगा, कुल काम यानी टोटल वर्क। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे पी और क्यू का एक दिन का काम, तो पी और क्यू का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्यू और आर का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। आप 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसी प्रकार से पी और आर का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है पी क्यू आर का। तो यहाँ पे दोनों क्या है, जोड़े के रूप में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2 कोष्टक पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4 × 3 = 7 = 2 = 9 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 9/2। यह जो आया है पी क्यू आर का एक दिन का काम है, यानी पी क्यू आर जो है एक दिन में 9/2 काम को फिनिश कर देते हैं। तो पी क्यू आर जब एक दिन में 9/2 काम करते हैं तो 36 काम को करने के लिए इन्हें कितना दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 36 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसको अब हम साल करेंगे, 9 × 36 यह आ जाएगा 8 दिन। पी क्यू आर जो होता 8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 8 भी हो जाएगा और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सही टाइम पे मिल जाएगा और आप सही टाइम पे वीडियो को प्ले करके देख पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।